हेलो गाइस, टैली फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी 6 अक्टूबर को गवर्नमेंट की 22nd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी, जिसमें कि गवर्नमेंट ने आम लोगों की प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए और कई सारे बिजनेसमैन और कंपनी या फिर डीलर्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए अपने जीएसटी के रूल्स में कई चेंजेस किए हैं। हम उन चेंजेस की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी कर लीजिए और साथ में बने बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरी आगे आने वाली न्यू वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए हम उन चेंजेस की बात करते हैं। तो हम लिस्ट देख लेते हैं। पहला जो है, एग्जम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन फॉर ए सर्विस प्रोवाइडर इफ द एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन ₹20 लाख इवन इफ दे आर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज। मतलब कि दोस्तों, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो 20 लाख से कम है, तो आप जीएसटी की जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए आप एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। चाहे आप कोई इंटरस्टेट सर्विस की सप्लाई करते हो तो भी आप इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। और ये जो लिमिट है 20 लाख की, वो कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स हैं उनके लिए ये लिमिट कम करके 10 लाख है, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे ही दूसरा है, सर्विसेज प्रोवाइड बाय जीटीए टू एन अनरजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। मतलब कि जीटीए अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को कोई सर्विस प्रोवाइड करता है तो उस पर जीएसटी जो है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर थर्ड है, टीडीएस टीसीएस प्रोविजन शैल बी पोस्टपोन टिल 31 मार्च 2018। मतलब कि गवर्नमेंट ने 31 मार्च 2018 तक TDS और TCS के जो प्रोविजन थे वो पोस्टपोन कर दिए हैं। मतलब कि आपको आप जो TDS और TCS की जो एंट्रीज करते थे वो अब 31 मार्च तक उसकी एंट्री नहीं होंगी। फिर फोर्थ है, एलिजिबिलिटी फॉर अ कंपोजिशन स्कीम रेस टू ₹1 करोड़। मतलब आपको जो कंपोजिशन स्कीम की जो लिमिट थी वो पहले जो थी वो 75 लाख थी, बट गवर्नमेंट ने उसको इंक्रीज करके अब 1 करोड़ कर दिया है। फिर फिफ्थ है, RCM applicable for the purchase from the unregistered dealer shall be suspended till 31st March 2018। मतलब कि आप जब किसी unregistered dealer से कुछ परचेज करते थे तो पहले आप उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आप उस पर GST पे करने के लिए लायबल होते थे, बट अब अगर आप कोई unregistered dealer से परचेज करेंगे तो 31st March 2018 तक आपको उस पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर आप उसके लिए लायबल जो GST पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे। फिर सिक्स है, टैक्स पेयर हैविंग एनुअल टर्नओवर अप टू ₹1.5 करोड़ शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू पे GST एट अ टाइम ऑफ रिसीप्ट और एडवांस ऑन अकाउंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब कि आप कोई आपकी कंपनी कोई गुड्स सप्लाई करती है और आपके जो एनुअल टर्नओवर है वो ₹1.5 करोड़ है या उससे कम है, तो अगर सप्लाई करते टाइम सप्लाई करने के लिए आप कुछ गुड्स सप्लाई करने के लिए आपको पहले से कोई एडवांस रिसिप्ट होता है, तो जब आपका जो एडवांस रिसिप्ट हुआ है उस टाइम आप GST पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे। मतलब कि जब आप वो गुड सप्लाई करेंगे तभी आप उस पर GST पे करेंगे। तो दोस्तों, ये कुछ चेंजेस थे जो गवर्नमेंट ने अपनी जो 22nd मीटिंग थी GST काउंसिल की उसमें यही चेंजेस किए हैं। अब इन सब चेंजेस को ध्यान में रखते हुए टैली ने अपना एक न्यू वर्जन रिलीज 6.1.1 लॉन्च किया है, जिसमें कि आप देखेंगे आप इसमें कुछ चेंजेस देख पाएंगे। तो अब उसको इंस्टॉल करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने लैपटॉप पर या पीसी पे जहाँ भी टैली यूज करते हो उसके ब्राउजर खोलेंगे और फिर टाइप करेंगे टैली फॉर GST। आपको नीचे एक लिंक दिखाई देगी, डाउनलोड Tally.ERP9 टैली सोल्यूशन की लिंक है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे आपको लिखा मिलेगा क्रिएटिव वर्जन अंडर Tally.ERP9 रिलीज 6 सीरीज इज रिलीज 6.1.1, जो कि आपका 9 अक्टूबर मतलब कि कल ही रिलीज हुआ है। आप और नीचे देखेंगे तो आपको इसमें जो चेंजेस है वो भी लिखे मिलेंगे, और फिर और नीचे जाएंगे तो आपको नीचे दो ऑप्शन दिखाई देंगे, इंस्टॉल नाउ और डाउनलोड फॉर लेटर। यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और जिससे कि आपकी एक्स फाइल या सेटअप फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। फिर आप अपने डाउनलोड के फोल्डर में जाएंगे जहाँ भी आपकी फाइल डाउनलोड हुई है, वहाँ पर उसको क्लिक करके रन करके इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखेंगे आपको एक नया रिलीज मिलेगा टैली का, रिलीज 6.1.1। इसमें जो चेंजेस गवर्नमेंट ने अभी किए हैं अपनी मीटिंग में,
वो आप देख सकेंगे। तो उसको देखने के लिए आप जाएंगे फीचर्स में और फिर जाएंगे स्टेटमेंट एंड टैक्सेशन में और फिर आप देखेंगे आपका पहला ऑप्शन है इसमें जीएसटी वाला, इनेबल जीएसटी उसको यस करेंगे और फिर सेट अल्टर जीएसटी को यस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको दो नए ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, इनेबल टैक्स लाइब्रेरी ऑन एडवांस रिसिप्ट और इनेबल टैक्स लाइब्रेरी ऑन रिवर्स चार्ज। पहले आप देखते थे आपका जो नीचे थ्री ऑप्शन है आपको बस यही शो होते थे, बट अब टैली ने दो ऑप्शन और ऐड कर दिए हैं। पहला जो ऑप्शन है इनेबल टैक्स लाइब्रेरी ऑन एडवांस रिसिप्ट, आप इसको जब यस करेंगे जब आप कोई गुड सप्लाई करते हो और आपकी जो आपको सप्लाई करने के लिए पहले से कोई एडवांस रिसिप्ट हुआ हो और आपकी जो कंपनी है उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो ₹1.5 करोड़ से ज़्यादा हो, तो जब आपको जब वो एडवांस रिसिप्ट होता है तो उस टाइम आप उस पर टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाते हैं। तो उस केस में आपको ये ऑप्शन यस करना है। बट अगर आपका जो एनुअल टर्नओवर है वो ₹1.5 करोड़ से कम है तो उस केस में जब आप गुड्स की सप्लाई करेंगे जब भी बस तभी आप उस पर टैक्स जो है वो पे करेंगे, तो उन केस में आपको ये ऑप्शन नो ही रहने देना है। फिर दूसरा है इनेबल टैक्स लैपिंग ऑन रिवर्स चार्ज। दोस्तों पहले आप जब किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करते थे तो उस पर आप रिवर्स चार्ज के अंडर आप उस पर टैक्स पे करते थे, बट गवर्नमेंट ने अब 31 मार्च 2018 तक इस रूल्स को सस्पेंड कर दिया है। मतलब कि अब जब अनरजिस्टर्ड से परचेस करेंगे किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से तो आप उस पर रिवर्स चार्ज के अंडर आप टैक्स पे करने के लिए लायबल नहीं होंगे, तो उन केस में आपका जो ऑप्शन है वो नो ही रहेगा। बट आपके जो बाकी केस थे जिसमें आप रिवर्स चार्ज के अंडर टैक्स पे करते थे उन केस में ये एप्लीकेबल ही रहेगा, तो उन केस में आप इसको यस करेंगे, तो अभी तो आप इसको नो ही रहने देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जीएसटी रूल्स में जो लेटेस्ट चेंजेस हुए हैं उनमें से कुछ चेंजेस के बारे में हमने सीखा और साथ में हमने देखा कि आप टैली का जो न्यू रिलीज है रिलीज 6.1.1 उसको कैसे डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर सकते हैं और गवर्नमेंट ने जो लेटेस्ट चेंजेस किए हैं जीएसटी में उसको आप टैली में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे इस चैनल का सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू।